please press the bell icon to get the latest updates on Page 3 Reporter. ऐसे ऐसे घूमती रहती यहाँ वहाँ हैं हैं करती रहती और कई बार मैं उसके साथ इंटरव्यू करता हूँ तो मुझे हंसी आ जाती है क्योंकि वो इंटरव्यू के बीच में कुछ भी बोल देती है. कभी वो ऐसा उसको बोलना कि फिल्म में इस कैरेक्टर का अफेयर उसके साथ चल रहा है तो वो बोलेगी इनका आपस में लफड़ा चल रहा है. कभी वो ऐसे बोलती है तो मुझे हंसी आ जाती है. तो इसलिए बहुत स्वीट लड़की है नाज़िया. बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड एक्टर है और मैं सबसे यही कहूँगा कि टू वॉच आउट फॉर हर. आने वाले दिनों में she is going to be one of the leading heroines of our film industry. Extremely talented girl. देखिए honestly speaking ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने मेरे से. जब मैं हीरो के रोल कर रहा था तो मुझे बड़ी खुशी होती थी कि मैं हीरो के रोल कर रहा हूँ और बड़ा अच्छा लगता था कि अरे हीरो है ये है वो है जो कि अच्छा लगेगा और उसमें कुछ खराबी भी नहीं है जाहिर सी बात है. लेकिन जब से मैंने ये वाले रोल शुरू किए हैं जो मैं जिसको मानता हूँ अपनी दूसरी इनिंग्स जो है जिससे मेरी दाढ़ी है ये है वो है अब इसमें न जाने क्यों ऐसी कौन सी अलग चीज़ करता हूँ मैं एक्टिंग में मुझे खुद नहीं पता. लेकिन ये वाले डायलॉग्स लोगों को ज़्यादा याद रहते हैं. ये वाले जो सीन्स हैं मेरी फिल्मों में ये लोगों को ज़्यादा याद रहते हैं बजाय उनके जो मैंने बतौर हीरो किए. मेरे ख्याल ऑलमोस्ट 19-20 फिल्में की मैंने एज ए हीरो. लेकिन जैसे मैंने ये यमला पगला दीवाना की उसमें से मेरे पूरे 8 सीन थे उस फिल्म में लेकिन वो 8 के 8 सीन लोगों को इतना पसंद आए तो ये रहस्य मैं आज तक नहीं जान पाया और अभी भी ढूंढ ही रहा हूँ मैं कि जो चीज़ एक हीरो होके नहीं मिल पाती आपको वो चीज़ एक कई बार मैं ये भी नहीं कहूँगा बड़ा कैरेक्टर एक छोटा सा कैरेक्टर भी आपको वो करके दे देता है तो पब्लिक के बारे में कुछ नहीं कह सकते. बहुत मज़ा आया जी मुझे वो करते हुए क्योंकि ये डॉन एक तो ये इसकी जो भाषा है वो हरियाणवी है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ हरियाणा तो मेरे को वो भाषा बोलनी बड़ी अच्छी लगती है. मैं बहुत शुरू से भी जब मैं नकलें उतारता था वही भाषा का इस्तेमाल करता था. और दूसरी बात ये है कि इसमें एक बड़ा छुपा हुआ सा एक इसका पहलू है इस कैरेक्टर का कि इसको अपनी बीवी से बहुत डर लगता है. वैसे बड़े कम डॉन होंगे जो आपने देखे होंगे जो अपनी बीवी के सामने भीगी बिल्ली बन जाते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इसको देख के मज़ा आता है. एक हंसी आ जाती है मुँह से कि यार ऐसा भी डॉन है बाहर गोली चलाता है और घर में आके अपनी बीवी से डरता है. दोस्तों हर आने वाली नई फिल्म के रिव्यूज़ जानने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें Page 3 Reporter.